बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सैयदान फालतू। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी टाइम हो चुका है 7, अब मैंने जाना था, लेकिन मैंने एक चीज़ आज आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पर जी सीन कुछ यूँ है कि ये लव बर्ड नाराज़ होकर बैठे हैं। देखें कितने दूर दूर बैठे हैं, पता नहीं इनमें लड़ाई किस वजह से हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इनकी लड़ाई की वजह से। आज इनमें फ़ाइट क्यों हुई है कुछ समझ नहीं आ रही। एक वहाँ पर मुँह करके बैठा और एक यहाँ पर मुँह करके बैठा हुआ है। अजीब ही सीन हो गया यहाँ पे तो। और यहाँ पे ये देखें जी, दूसरा तोते चोते मैं आपको दिखा रही थी और मैं निकलने लगी, और यहाँ पे जी गोश आराम स्कूल से सोया हुआ है मेरा भांजा है। आज सैटरडे इनको छुट्टी होती है, सैटरडे संडे के दुआ भी सोई हुई है, ठीक है। तो अब हम निकलने लगे हैं, तो चलते हैं। और एक मिनट ये देखें जी, अभी मैंने कहा था कि इनकी लड़ाई वगैरह हुई है और लगता है इनकी सुलह हो गई है। ये बातें शातें कर रहे हैं। हेलो जी, उसने तो फिर उसको तो कर ही दिया। ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रही है। पर चलें, कोई नहीं, शुक्र है इनकी सुलह हो गई, अब हम चलते हैं। हम आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ना अपनी फ्रेंड को कॉल की और मैंने बताया कि जो लव बर्ड है ना, उनकी सुलह हो गई उनकी पहले लड़ाई थी, ठीक है। वो सीन तो आपने स्टार्ट पे व्लॉग में देख ही लिया कि क्या था। मैंने कॉल में फिर बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना इनकी लड़ाई हुई थी, और मतलब कि अपने जो कि हमसाए हैं ना टिंकू की डेथ की वजह से ऑलरेडी से, पता नहीं मैंने लड़ाई की हुई, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन लड़ाई हो गई। फिर मैंने ऐसे अचानक से इधर फेस किया, मैं ब्लॉग बना रही थी, मैंने इधर देखा, मैं कहें कि वो सुलह में कितनी जल्दी। और मुझे वहां से ये सबक मिला कि जब भी लड़ाई करें जल्दी सुलह कर लेनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। चाहिए लड़ाई इतनी लंबी नहीं रखनी चाहिए, झगड़ा इतना लंबा नहीं रखना चाहिए, ठीक हो गया। तो उस अब नाश्ते की तरफ आते हैं। तो नाश्ते में आज हम करेंगे मज़ेदार सा नाश्ता, ठीक है। आज हमने सुना था लाइट सा नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर भी लाइट नहीं, बहुत हैवी हो गया हुआ है। ये इसमें ये लेके आए जी बिस्किट, ये देखें जी, ये है जी बिस्किट, प्रमोशन नहीं कर रही, बिस्किट है, ठीक है। और ये कप जो है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मेरे फ्रेंड लेके आई है, चाय शाय लेके आई है, साथ में पानी हम घर से लेके आते हैं। पब्लिक प्लेस में आपने कभी किसी का जूठा पानी नहीं पीना, हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल ठीक है। और वैसे भी हमें पानी घर से लेके आना चाहिए, क्योंकि कई बार बाहर से पानी नहीं मिलता। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप गैस करें, ठीक है। बल्कि हम इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा बॉक्स बना हुआ है, और इसके अंदर है जी मज़ेदार से बॉयल एग। और इसमें आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, मैंने हमेशा जो भी मतलब बॉयल करते हैं बॉयल या जो भी है, अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो उसमें वो काली मिर्च और नमक ऐड करते हैं ना, मेरी फ्रेंड दुनिया की सबसे अनोखी रखी है, चाट मसाला ऐड करती है, समझ रहे हो। तो मैंने आज तक चाट मसाला जो है ना वो नहीं देखा कि कोई अंडों पे डाल के खाता होगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे लिए ये नई बात है, हो सकता है कोई कमेंट में कह भी दे के नहीं जी ये ऐसे वैसे, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मेरे लिए नई बात है, ठीक है। तो मसाले वाले अंडे, ठीक है, कौन से अंडे हैं ये मसाले वाले, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ये, ठीक है। और मेरी आवाज़ बहुत लाउड है क्योंकि आज मैं ना बहुत खुश हूँ अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। ये देखिए मैंने आज काफ़ी, मैंने दो दिन ब्लॉग नहीं लाया उसके लिए, सॉरी मैं बिजी हूँ होने की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन चलो कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉगिंग हो। और ये हमारी 2-in-1 है, हम जब गर्मियाँ होती हैं तो हम इसमें ठंडा पानी पीते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं हम इसमें चाय पीते हैं। तो ये बड़े मज़े की सीन है, ये बॉटल मुझे बड़ी मज़े की लगती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। क्या लगे मज़े की लगती है, खाने वाली नहीं है कि जिसके अंदर चाय वो तो पीने वाली है ना। तो अब इसको रखते हैं इधर, अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं उसके बाद अपनी फ्रेंड को ना कुछ इस तरह डिस्कशन करनी है आज मैंने लव बर्ड के बारे में। तो देखते हैं फिर ये हमें क्या कहती है, पहले जल्दी से नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर मैं ना आपको बताती हूँ नेक्स्ट सीन। तो ऐसा करते हैं, तो चाय शाय आपके सामने ही इधर, ऐसे हम चाय जो है ना वो डाल लेते हैं। ये जो है ना ये मुझे बकेट बहुत पसंद है, इसको बकेट कह लें, टोकरी कह लें, कुछ भी कह लें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ना इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि उसका ना कान में चाय डेली गिर जाती है। तो मुझे फिर इसको इधर, और ये देखिए माशाल्लाह, जिस चीज़ का दिल कर रहा है ना चाय पीने को वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चाय मेरी तो बहुत फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये देखें ईजिली 2 कप चाय हम पी सकते हैं। और ये जो गिर गया है ना उसके लिए वेरी सॉरी, अल्लाह ताला सॉरी, मैंने खुद जानबूझ के नहीं गिराया था, गिर गया था। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते के बाद फिर मैं आपको ना फिर डिस्कशन कर दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब करते हैं नाश्ता और फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, ठीक है।